शौर्य दिवस के दिन जय भीम के जयकारों से गुजरा शहर। एक तरफ जहां पूरा देश नववर्ष मना रहा है, वहीं राष्ट्रीय अंबेडकर सेना इसे शौर्य दिवस के रूप में मना रही है। 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव पुणे महाराष्ट्र में पेशवा बाजीराव के लगभग 28,000 सैनिकों को मूल निवासी के लगभग 500 योद्धाओं ने पराजित कर विजय हासिल की थी। बताते चले उसी विजय दिवस को शौर्य दिवस के रूप मनाती है। अंबेडकर सेना का पूरा हुजूम शहर की सड़कों पर आ उतरा था। संपूर्ण शहर में जुलूस के साथ अंबेडकर वादियों ने अंबेडकर पार्क पहुँच इस जुलूस को विराम दिया। पार्क में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। मैं उदय प्रताप बौद्ध, राष्ट्रीय अंबेडकर सेना का राष्ट्रीय ध्वज, और आज हम लोग पूरे देश में बहुजन समाज 1 जनवरी 1818 को जो युद्ध हुआ था भीमा कोरेगांव में, 500 महार रेजिमेंट और 28,000 बाजीराव पेशवा के बीच जो युद्ध हुआ था, वो युद्ध 7 दिन तक चला था। उसमें हमारे वीर महाराज को मैं जीत लिया था। उन्हीं के उपलब्ध में हम लोग आज विजय शौर्य दिवस मना रहे हैं और पूरे देश में मनाया जा रहा है। उन्हीं कार्यक्रम किया गया, कहाँ से कहाँ तक का कार्यक्रम? तमेड़ी से जो है शुरुआत की गई, तमेड़ी एयरपोर्ट से और आते बनिया पार्क अम्बेडकर पार्क समापन हुआ। और कुछ करने का भी नहीं, बस यहीं पर हम लोग का समापन है बस।